फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोजी, आज मैं चिकन सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, ये बन चुका है। बनता कैसे है आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, आप प्लीज मेरी वीडियो देखें, फिर आप सब्सक्राइब करिए। आप करते देखते नहीं हो, वीडियो सब्सक्राइब कर देते हो और वो काउंट में नहीं आता है और सब्सक्राइबर कम जाते हैं। तो प्लीज आप वीडियो देखें फिर सब्सक्राइब करें। चलते हैं चिकन सूप कैसा बनता है आपको दिखाने के लिए। सूप बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चिकन लिया हुआ है, कुछ बोन है, कुछ बोनलेस है। अब इसको ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम कुछ इसमें सब्जी भी ऐड करेंगे। एक कप पत्ता गोभी, ये भी ऐड कर देंगे। गाजर एक कप, वो भी ऐड कर देंगे। आधा कप टमाटर ऐड करेंगे। आधा कप प्याज ऐड करेंगे। एक कप हरी प्याज, वो भी ऐड करेंगे। अब इसको हम बॉईल होने देंगे। इसी के साथ आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आप अपने पसंद का कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा या कम कर सकते हैं। चिकन सब्जी हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसको हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और चिकन को डिस आउट करके चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। एक पैन लेंगे जिसमें मैंने 2 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। तेल गर्म हो चुका है। अब 1 चम्मच कटी हुई लहसुन ऐड करेंगे। इसी के साथ हम 1 चम्मच सोया सॉस ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ चिकन को मैंने एक फोर्क के मदद से खोल लिया है। अब इसको भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं। को 1 मिनट तक भून लेते हैं। चिकन सब्जी बॉईल होने के टाइम में मैंने नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि मैं मैगी मसाला में सूप बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं अभी मैगी मसाला ऐड कर दूंगी। आप जरूर से मेरे स्टाइल में बनाइए, बहुत ही मजे की, बहुत ही टेस्टी बनती है। 1 मिनट तक और भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम बॉईल किया हुआ जो सब्जी था उसको हम ऐड कर देंगे पैन में। एक चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ 1 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं। मैगी मसाला ऐड करने के बाद अगर आपको लगे नमक कम लग रहा है तो आप जरूर से नमक ऐड कर रहे हैं। अब हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेकर इसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके ऐड करेंगे। अब 2 अंडा लेकर फोर्क की मदद से इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे।
मिक्स करेंगे। फिर से डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप अपने पसंद से पतला गाढ़ा सूप को कर सकते हैं। ये अब बनके तैयार है। अब हम इसी के साथ कटी हुई हरी धनिया, कटी हुई हरी प्याज ऐड कर देंगे। सूप हमारा रेडी है, अब हम सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए आप जल्दी से देख सकें। अब हम सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही मजे की, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप मेरे स्टाइल में जरूर से ट्राई करें। आप ऊपर से हरी मिर्च काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, मैंने तीखा कम ही रखा है।